हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर सर्विंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एसएससी जेई या अदर स्टेट्स के जो एईजेई लेवल के एग्जाम होते हैं जिनमें आपका सर्विंग सब्जेक्ट्स आता है। ये व्यापन सब इंजीनियर की बात कर लें जिसमें हमारा सर्विंग सब्जेक्ट आता है उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर्विंग में हम एज अ बेसिक सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्रैक्टिस मीन्स एज अ कंसेप्ट देख रहे हैं कि ये सर्विंग में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स और कैसे हम इस दूसरे से कोरिलेट कर लेते हैं और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम आपका लीनियर मेजरमेंट देख रहे थे और लीनियर मेजरमेंट में हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर मेजरमेंट मतलब आपका चेन सर्विंग। और चेन सर्विंग में हमने टाइप ऑफ चेन, टाइप ऑफ टेप ये आपने कंसिडर कर लिया था। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं चेन और टेप करेक्शन। क्या देखने वाले हैं अब हम? चेन या फिर टेप करेक्शन। चेन और टेप करेक्शंस, इसका मतलब गाइस क्या है कि अगर जैसे कुछ मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है या इरेगुलर तरीके से या कुछ बिना केयरिंग के साथ में हम उसको कैरी कर लें चेन या टेप को, तो उसमें जो या टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण या लोड आप इरेगुलर टाइप का अप्लाई कर दें उसके कारण उसकी डायमेंशन में जो चेंजेस आ जाएगा, कौन से डायमेंशन? ओरिजिनल डायमेंशन से जो चेंजेस आ जाएगा तो उसको वापस हमको करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे चेन है तो चेन 20 मीटर की एग्जैक्ट लेंथ कहलाती है, स्टैंडर्ड लेंथ। अब 20 मीटर की चेन 19.99 की हो गई है या 20.55, 20.6 इस मीटर में डायमेंशन में हो गई है तो 0.5 या 0.9 जो भी वैल्यूज हैं इनको क्या करना पड़ेगा, हमको डिडक्ट करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ये कहलाते हैं हमारे करेक्शंस की अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे पहला करेक्शन देख लेते हैं हम, टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन, अब इस टेम्परेचर करेक्शन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं सीटी से कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन कारण। गाइस होता है क्या है कि जो हमने जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आपका किसी बॉडी को बनाने का, तो जिस टेम्परेचर पर बनाया है अगर उसी टेम्परेचर पर आप फील्ड पर वर्क करोगे चेन या टेप का यूज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी मतलब उसमें ना तो एक्सपांशन या कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है। अब जैसे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपने बनाया रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको फॉर्म किया और जब आप फील्ड पर उससे मेजरमेंट कर रहे हैं, फील्ड पर टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हमारी उस चेन की या टेप की डायमेंशन इंक्रीज हो सकती है। तो उस इंक्रीमेंट के कारण जो गलतियां करेंगे तो उसको हम वापस सुधारेंगे तो उसके लिए कितना करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कितना होता है ये हमने पढ़ा है कि अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, डेल्टा टी क्या बताता है, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या बताता है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। एल क्या बताता है, लेंथ ऑफ चेन और टेप। इसको एक तरीके से दूसरे लिखें तो हम ये भी लिख दे सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू मेजरमेंट टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर या टेम्परेचर टी नॉट, मतलब क्या है कि टेम्परेचर एट द स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जब आप इस टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आपने टेप या चेन को फॉर्म किया होगा स्टैंडर्ड तरीके से बनाया होगा लेबोरेटरीज में, उस टाइम पर जो टेम्परेचर रहा वो हमारा टी नोट कहलाएगा और आज मेजरमेंट के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो हमारा टीएम। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसी से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। मतलब इसका ये है कि जो टेम्परेचर जैसे आपका जब बनाया था 20 डिग्री सेल्सियस था, अब वो हो चुका है 50 डिग्री सेल्सियस, तो बड़ा कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है 50 माइनस 20, ये वैल्यू तो है 50 माइनस 20, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के कारण क्या हो सकता है, उसमें एक्सपांशन या कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा स्टैंडर्ड से तो डिक्रीज कॉन्ट्रेक्शन होगा और बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होगी। तो टेम्परेचर करेक्शन क्या हो सकता है हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर नोट करके लिख लें हम इसको, When TM greater than T naught, TM greater than T naught, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये CT है corrections आपका वो कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। तो देन करेक्शन क्या होगा हमारा, यहां पर जो करेक्शन होगा CT will be positive। और अगर दूसरी कंडीशन देखें हम, तो अगर जो आपका
Tm less than T naught, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से आपका क्या हो, तो Ct की वैल्यू क्या आएगी, करेक्शन हमारा नेगेटिव। इसमें लिख लें, ये मेजरमेंट के टाइम पर टेम्परेचर और ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट सेकंड टर्म्स देखें अगर हम, तो जो करेक्शन आएगा, तो मतलब हाँ ये भी ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें हम, कि टेम्परेचर करेक्शन आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मतलब सब्सट्रैक्टिव या एडिटिव हो सकता है, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव या ऑलवेज एडिटिव ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, मे बी सब्सट्रैक्टिव या मे बी एडिटिव हो सकता है। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें तो हम देख लेते हैं पूल करेक्शन, पूल करेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा सीपी से। अब ये क्या होता है, जैसे आपने सोम वगैरह पढ़ा है, तो सोम में हमारा बेसिक सा फार्मूला, अगर आपने यहां पर पी लोड लगाया तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन होगा ये डेल्टा होगा, और डेल्टा कितना होता है, पी एल अपॉन ए। अगर इसकी लेंथ कितना है, एल होगा, कितना होगा, पी एल अपॉन ए। तो यहां पर यही तो टेम्परेचर है, आप इस बॉडी या इस स्टील बार की बजाय या जो मेटल बोर है, बार है, उसकी जगह किसको स्ट्रेच कर रहे हैं, किसको कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे हमारे पुल करेक्शंस में किसको स्ट्रेच कर सकते हैं, हम चेन को या फिर टेप को। तो सीपी जो आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, तो पी एल, तो पी क्या है आपका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर, सॉरी स्टैंडर्ड लोड से कितना एक्स्ट्रा लोड से आप एफर्ट्स लगा रहे हो। जैसे कोई चेन है तो आपको कम से कम थोड़ा सा तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको ओपन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपको 80 न्यूटन या 8 किलोग्राम का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, कितना 80 न्यूटन या 8 किलोग्राम का, अगर आप हर एक हैंड से उसको चेन को खींचे तो वो आपका स्टैंडर्ड, मतलब एक जितनी ओरिजिनल लेंथ होना है उतनी होती है, मतलब आपको कम से कम थोड़ा सा हो तो वजन से उसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो कितना होता है वो आपका 80 न्यूटन या फिर 8 किलोग्राम स्टैंडर्ड पुल होता है। अब अगर उससे आपने ज्यादा लगा दिया, अब मान लीजिएगा आपने 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम से खींच दिया उसको, तो उससे क्या हो सकते हैं वो एक्सटेंड हो सकता है, या 8 किलोग्राम की बजाय आपने 4 किलोग्राम से खींच रहे हो तो उससे क्या हो सकता है वो थोड़ा सा बिना खुले हुए हो सकता है, मतलब थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। तो क्लियर है, तो यहां पर हम देखें तो आपका जो पुल होगा, मतलब चेंज इन पुल, तो क्या हो सकता है कि वैल्यू आपका जो स्टैंडर्ड पी एम हो वो आपका क्या हो सकता है, ओरिजिनल से कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये चेंज इन पुल हो गया आपका। एल, एल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ चेन, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर लेंथ ऑफ चेन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप या चेन या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल या जिस मेटल से वो हमारी चेन या टेप बनी हुई है। तो यहां पर फिर नोट करके लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे आप नोट में, आप ये लिखेंगे कि पी एम ग्रेटर देन, अगर पी नोट होता है, पी एम ग्रेटर देन पी नोट हो सकता है या पी एम लेस देन पी नॉट हो सकता है। तो यहां से जो वैल्यू देखें अगर आप, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, सीपी आपका पॉजिटिव और यहां से सीपी कितना आ रहा है, नेगेटिव, सीपी पॉजिटिव सीपी नेगेटिव। तो मतलब क्या होगा, या तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर आप ऐड करेंगे। तो पूल करेक्शन पूल करेक्शंस मे बी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। क्लियर है, अगर इधर बात कर ले तो यहां पर भी लिख लें हम कि टेम्परेचर करेक्शंस will be additive or subtractive। clear ये terms भी हमको, ये pull correction देख लिया। then next अगर हम terms देखें तो third का number पर कौन सा हो जाएगा हमारा, हम देख लेते हैं थर्ड पर, पूल करेक्शन हो गया हमारा, सेग करेक्शन,
नेक्स्ट टर्म्स कौन सी है गाइस हमारी, सेग करेक्शन, जिसको हम जनरली सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, सी एस से। और ये क्या होता है कि आपकी बॉडी जैसे जिस ग्राउंड पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो ग्राउंड थोड़ा सा आपका इरेगुलर टाइप का है, इरेगुलर टोपोग्राफी है, मतलब जैसे गड्ढा है बीच में। अब आपने यहां पर चेन बिछाई, तो चेन आपको कैसे इस ए और बी पॉइंट को मेजर करना था, तो आपने यहां पर चेन ड्रॉप किया, ते चेन, तो ये स्टैंडर्ड लेंथ है वो चेन की, आपने क्या बताई ओरिजिनल लेंथ। अब ये क्या होता कि अगर आपने कुछ इस तरीके से बिछा दी होती है, थोड़ा सा लूज कर दिया इसको, सही से टाइट नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इतने डिफ्लेक्ट हो गई है ना, इसी डिफ्लेक्शंस को क्या बोलेंगे हम, सेग, या मतलब झूल गई। सेग मतलब क्या होता है, झूल जाना। तो आपके अगर गड्ढे में चली जाएगी तो चेन आपका क्या हो जाएगा, गलत डायमेंशन दे देगी। ए और बी की बात करें तो अगर वो ग्रीन कलर से निकाल लेंगे तो ग्रीन कलर वाली जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी आपकी, इस जो ग्रे लाइट ग्रे कलर दिख रहा है आपका, जो लाइट ब्लू कलर बोले लाइट एकदम, तो उससे क्या हो जाएगी, कम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये गड्ढे को माप कर बता देगा, जबकि हमको तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना थी, तो यही को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। आपने क्या बता दिया होगा, ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू में से कम करना पड़ेगा। अगर ये वाली वैल्यू लाना है तो आपको ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। मतलब सेग करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव रहता है। होता क्या है, अब देखो ये झूलेगी कैसे, तो ये झूल जाएगी आपके वजन से। अब आपका वजन मतलब इस चेन का वजन, तो चेन का वजन कितना होगा, तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, और यहां पर एन कर लेंगे नंबर ऑफ स्पान, मतलब बीच में अगर कोई सपोर्ट वगैरह दे रखा है तो वो अलग आ जाएगा। तो 20 डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब 24 एन पी स्क्वायर। पी क्या है, जिस पुल से हम खींच रहे हैं। W क्या है, जो लोड है आपका, वजन कितना है आपका, मतलब उस चेन का वजन या वेट, और वो भी कौन सा, पर यूनिट वेट है आपका, किलोग्राम पर मीटर में। L क्या है, लेंथ ऑफ चेन। ये टर्म से ध्यान रखें, तो ये आप लिखेंगे कि नहीं, इसमें क्या लिखेंगे आप, सेग करेक्शन ऑलवेज एडिटिव सब्सट्रैक्टिव या मे बी एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव। तो आप बोलेंगे ना कि सेग करेक्शन ऑलवेज क्या होता है हमारा, सब्सट्रैक्टिव होता है। तो ये लिख दिया हमने कि सेग करेक्शन ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो एक आता है करेक्शन हमारा स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन हमें स्लोप करेक्शन देखें, तो यहां पर जैसे ए और बी लाइन है आपका, यहां पर आपने ग्राउंड आपका कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये ए है और ये मान लें बी है, क्लियर। अब यहां पर देखें तो आपको मापना था, सॉरी सी, आपको मापना था ए बी और आप बता रहे हैं ए सी, आपको मापना था ए बी और आप बता रहे हैं ए सी, क्लियर। ये गलत है कि नहीं है, क्योंकि आप अगर इसका प्रोजेक्ट करें ऐसे है, तो आप क्या है, आपको बताना था ए बी और आप बता क्या रहे हो ए सी, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गलत बताई है हमने, क्या बताई है। अगर आपको बताना था ए बी और आप बता रहे हैं ए सी, तो आप खुद देख रहे होंगे कि ये आप गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी है, तो इसका मतलब आप ए बी बराबर ए सी है, तो अगर ये एक चेन लेंथ है, यह एक चेन लेंथ एल के बराबर है, तो क्या ए बी भी एल के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से एक आर्क ड्रॉ करें, यहां से हम एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये वाली जो प्रोजेक्टेड लेंथ है ना,
इसको बोल देते हैं हम बी डैश, तो आप ए बी की जगह ए बी डैश बता रहे हैं, तो आपने कितनी गलती बताई है, ये इतनी। और इसी को मैं बोलता हूं स्लोप करेक्शन, इसी को क्या बोलता हूं गाइस में, स्लोप करेक्शन। तो क्लियर है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपने यह सी एच जो है ये गलत बता दिया, सी एच जो है ये हमारा गलत बताया कि नहीं आपने। तो अब इस गलती को कैसे सुधारे कि बीबी डैश माइनस कर दो इस एसी में से, एसी में से जब बीबी डैश माइनस कर दिया करें आप, मतलब क्या होता है कि ये ग्राउंड दिख रहा है आपको, ये एबी दिखेगा नहीं, बट आपसे वो पूछ रहा है कि एबी कितना है, तो ये एबी बता करने के लिए क्या करेंगे, आप एसी माप लो और एसी में से क्या करें कि बीबी डैश घटा दें, क्योंकि बीबी डैश की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं देखिए आप, ये एल है, और अगर आपको यह पता चल जाए, क्या पता चल जाए गाइस हमको, कि ये जो एंगल है ना इनके बीच में, ये जो एंगल, ये मान लीजिए कि थीटा है, ये कितना है एंगल आपका थीटा है इन दोनों लाइनों के बीच में। तो अगर इस लाइन को प्रोजेक्ट करें आप, मतलब ए बी डैश कितना है, अगर आप देखें यहां पर सी एच, तो सी एच इक्वल टू क्या है बी बी डैश, और बी बी डैश की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए बी डैश माइनस ए बी कर दें, ए बी डैश माइनस ए बी कर दें, ए बी डैश किसके बराबर है, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, वी नो दैट ए बी डैश इज इक्वल टू ए सी, और ए सी इक्वल टू कितना है एल, लेंथ ऑफ चेन, एल मतलब लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ वन चेन है। और अब इसकी बात कर लें किसकी, ए बी, तो जो ए बी दिख रहा है मुझे, ये ए बी कुछ आप देखें तो ये ऐसा है क्या, एल कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही तो है उसका, इस लाइन का ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना यहां पर आपका, यहां पर कितना हो जाएगा ये एल कॉस थीटा। तो बस क्या करेंगे आप, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर है, बट अभी यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ए बी कितना है हमारा एल कॉस थीटा। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए ना आप, तो कितना आया, ए बी डैश मेरे पास दिख रहा है आपको एल, ए बी कितना है एल कॉस थीटा, तो आप यहां पर पुट करेंगे कितना आएगा, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। तो यही तो गलती कर दी हमने, तो ये क्या है हमारा स्लोप करेक्शन, क्या है गाइस हमारा यह स्लोप करेक्शन। अब इसको हम एक और तरीके से देखें, एल कॉस थीटा ही होगा ना, अगर ये आपका बेस है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन एल, तो ठीक है एल कॉस थीटा। अब यहां पर दूसरी तरीके से बात करें तो कभी कभी क्या बोल देता है कि अगर फॉर 20 मीटर चेन, फॉर 20 मीटर चेन, और 20 मीटर चेन में कितने लिंक होते हैं ये बताइए आप, 20 मीटर चेन में कितने लिंक होते हैं, क्योंकि वहां से भी आपका एग्जाम में कभी फार्मूला यहीं से बन जाए। तो फॉर 20 मीटर चेन की बात करें तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो सी एच या स्लोप करेक्शन कितना आएगा 20 इंटू वन माइनस कोस थीटा। सिमिलरली अगर आप फॉर 30 मीटर चेन की बात करें, फॉर 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन की बात करें आप, तो यहां पर कितना आएगा गाइस हमारा एल की वैल्यू यहां पर 30 मीटर हो जाएगी, लेंथ ऑफ चेन कितनी बनेगी, लेंथ ऑफ चेन कितना 30 मीटर बन जाएगी ना। तो अगर आप यहां पर स्लोप करेक्शन निकालें तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू वन माइनस कोस थीटा। अब देखो आपने कमेंट करके बता दिया होगा कितनी चेन है, मतलब एक चेन 20 मीटर चेन में कितनी लिंक होती है, कितनी होती है 100 लिंक्स। तो इन टर्म्स ऑफ लिंक अगर हम बात करें किसमें, इन टर्म्स ऑफ लिंक, इन टर्म्स ऑफ लिंक्स, तो लिंक्स की बात करें तो जो आपका 30 मीटर चेन होती है
30 मीटर चेन होती, सॉरी 20 मीटर चेन, तो उसके लिए कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा हमारा 100 लिंक्स, 1 माइनस कोस थीटा। तो मतलब आप लिंक की टर्म्स में बता देंगे कि 100 लिंक में से कितनी लिंक हटाना है, और एक लिंक 20 सेंटीमीटर की होती है। तो जैसे आप मान लीजिए कि यहां पर तीन आंसर आ रहा है, तो तीन आंसर आ रहा है मतलब क्या कि तीन लिंक घटाना है, तो तीन लिंक घटाना है मतलब 20 × 3 मतलब यहां पर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आपको माइनस करना है, तो इनडायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा कंसेप्चुअल या डीप अगर क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखें हम। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 150 होती है ना शायद, क्यों 150 लिंक होती है हमारी 30 मीटर चेन में, तो कितनी हो जाएगी हमारी 150 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये टर्म्स भी ध्यान रखें, क्लियर है। अगर ज्यादा डीपली क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल कि अगर आपकी 30 मीटर की चेन है और उसमें 150 लिंक है मान लीजिए, तो 150 लिंक है तो बताइए कि उसमें कितनी लिंक घटाएं, कि वो स्लोप करेक्शंस के बाद ये एबी वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी लिंक घटाएंगे आप, तो 150 1 माइनस कोस थीटा। आप कोस थीटा की जैसे वैल्यू दे दी आपको 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसी कुछ भी वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू ही दे दी डायरेक्ट कि कोस थीटा आपका 0.5 0.9 ऐसा कुछ भी है, तो आप यहां से वैल्यू करके बता सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, उतनी लिंक हम घटा देंगे। तो ये क्लियर है, ये स्लोप करेक्शन बिल्कुल ध्यान रखें, और स्लोप करेक्शन ऑलवेज आपका क्या होगा, डिडक्टिव। तो स्लोप करेक्शन हम क्या लिख लेंगे यहां पर, कि स्लोप करेक्शन ऑलवेज डिडक्टिव। एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला भी होता है या सब्सट्रैक्टिव, एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला जो होता है सीएच का, वो क्या होता है, ये होता है एग्जैक्ट फार्मूला। ये हमारा क्या है गाइस, ये जो फार्मूला है ये है हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट। एग्जैक्ट मतलब अपने फार्मूले से निकाला है। एक होता है आपका अप्रोक्सीमेट फार्मूला जो इंपेरिकल टर्म्स से आया हुआ है, तो वो क्या होता है, अगर इस हाइट को हम एच मान लें, मतलब बेस से आपका जो क्राउन है उसकी जो हाइट है वो कितना है आपकी एच, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है एच स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल। ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेट फार्मूला फॉर स्लोप करेक्शन। अब जैसे मान लो कभी कभी वो एग्जाम में ही देते कि हाइट इतनी है उससे निकालिए अप्रोक्सीमेट फार्मूला, तो अप्रोक्सीमेट फार्मूला कितना हो जाता है एच स्क्वेयर अपॉन 2 एल। ये टर्म्स भी क्लियर है हमको, क्लियर है। तो दो फार्मूले हो गए हमारे पास में, एक फार्मूला आपके पास यह है, एक फार्मूला यह है दूसरा। फिर देखो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये जैसे हमने थीटा के टर्म्स में निकाला, इस एल्जेब्रिक फॉर्म में भी निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू हमारी जो होगी यह रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इसमें से ये घटा देंगे आप पूरी टोटल में से, और टोटल एबी डैश कितना है, तो आप यहीं से लिख लो ये सी एच कितना हो जाएगा एबी डैश, तो एबी डैश कितना है एल, और एल में से ये वैल्यू घटा दो तो आपको बीबी डैश मिल जाएगा। तो यही तो है बीबी डैश मतलब आपका सी एच, तो कितना मिलेगा हमको रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हमको, क्लियर है। तो तीन फार्मूले हो गए अब तो हमारे पास में, मतलब अगर वो आपको थीटा भी नहीं दें, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की हाइट दे दें और स्लोप दे दें, तब भी हम ये करेक्शंस निकाल सकते हैं, क्लियर। और करेक्शंस कहां पर आ रहा है ये भी माइंड में रखें हम, माइंड में क्या हमको मापना है एबी, पर ग्राउंड के नीचे जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा थोड़ी ना बता सकते हैं हम, क्योंकि हमको तो ये पहाड़ी वाला हिस्सा दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, तो हम एसी माप लेंगे, और उस एसी के साथ में जैसे हमको पता है कि हम गलत बता रहे हैं, क्योंकि अब हमको क्लिक हो चुका है ना हम गलत बताएंगे वीडियो, तो एसी हमने मापा है, तो एसी टोटल ऐसा है कि जैसे 20 मीटर है, तो हम 20 नहीं बोलेंगे कि एबी के बीच की दूरी 20 है, हम क्या बोलेंगे कि एसी आपका अगर 20 है तो उसका थीटा पता होगा हमको, और उस थीटा को हम निकाल लेंगे यहां से वैल्यू से 20 के साथ में, तो वैल्यू को माइनस करेंगे, एंड देन फिर हम बताएंगे कि 20 माइनस समथिंग समथिंग जो वैल्यू है, मतलब हम क्या करेंगे 20 में से सी एच माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू बचेगी रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, उसको हम बोलेंगे कि हमारा सही रिजल्ट है। तो क्लियर है, ध्यान रखें हम। तो स्लोप करेक्शन आपका ऑलवेज क्या होता है, डिडक्टिव या फिर सब्ट्रैक्टिव।
अब नेक्स्ट टर्म्स पर बढ़े हम, तो नेक्स्ट टर्म्स जो हमारी है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है गाइस। क्या है कि अगर हम दो कंडीशन पढ़ते हैं, चेन और टेप, मतलब ये जो करेक्शन पढ़ रहे हैं ना, इनके कारण क्या हो सकता है कि तो चेन आपकी ज्यादा लॉन्ग हो सकती है और उससे मेजरमेंट करके आए तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और या फिर क्या हो सकता है कि चेन अगर आपकी ज्यादा शॉर्ट हो जाए, मतलब थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो होता क्या है कि इरर आती है, तो इरर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्लियर। तो वो देखते हैं कि वो कैसे बनती है। तो चेन और टेप इज टू लॉन्ग, चेन और टेप इज टू लॉन्ग। इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं हम, तो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो टेप है या चेन है, चेन माने हम, ये चेन लेंथ जो है इसको मान ले हम एल, और ये कितने मीटर की है, जैसे 20 मीटर की चेन लेंथ है, और ये कौन सी है, स्टैंडर्ड, क्लियर है। अब यहां पर आपने क्या लिखा कि बट ड्यू टू इरर्स, आपने कोई गलती कर दी, बट ड्यू टू इरर दिस चेन बिकम कितना, तो आप मान लीजिए अभी सिर्फ समझाने के लिए मान रहा हूं, इतनी लंबी नहीं होती है, तो बिकम वन मीटर लॉन्ग, मतलब वो एक मीटर बढ़ गई है। ऐसा जनरली होता नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो चेन की लंबाई कितनी हो गई है, वन मीटर लॉन्ग हो गई है। तो नाउ चेन लेंथ कितनी हो गई है, तो इसको मैंने बोल दिया एल डैश, और ये क्या हो जाएगा, एल प्लस वन, मतलब ये आपकी हो गई कि नहीं हो गई, कितनी, ट्वेंटी वन मीटर। अब अगर यहां पर मैं देखूं कितना, 21 मीटर चेन हो गई है। अब आप देखिए ग्राउंड पर उठाकर जा रहे हैं, देखिए आप गलती खुद बताएंगे कैसे कर रहे हैं हम, और क्या मतलब पॉजिटिव होगी नेगेटिव वो बताने की कोशिश में हम। यहां पर क्या होता है, ये हम गए अब ग्राउंड, एट ग्राउंड, अब ग्राउंड पर गए, आपने मान लीजिए कि ये डिस्टेंस मापी ए से बी तक, और अब ये एक चेन में तो माप नहीं पाएंगे हम, ये एक चेन में तो हम माप नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया होगा, ये चेन के रो, मतलब वो जो एरो लगा लगा के करते ना मार्किंग हम, कि 20 मीटर मापा, फिर 20 मीटर मापा, फिर 20 मीटर मापा, और ऐसे करते करते हम माप लिए। अब आपने यह चेन उठाई और इस चेन को उठाकर यहां पर डाल, तो यहां से आपने ये पॉइंट पी, यह पॉइंट क्यू, यह पॉइंट आर, और यह पॉइंट मापा, मान लीजिए कि 1, 2, 3 और 4, कितनी, 4 बार मापा। अब ओरिजिनल की बात करो, मतलब आपको पता नहीं है हो कितनी गई है, वो 21 मीटर की चेन है, मतलब ग्राउंड पर ये डिस्टेंस जो है, ग्राउंड डिस्टेंस ओरिजिनल कितनी है, पहले बार में 21, पी की बात करें हम, और मतलब एपी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी, तो कितना है, 21 मीटर, फिर कितना है, 21 मीटर, फिर है 21 मीटर, ये है, बट आपको पता नहीं है, क्योंकि ये आपको अगर पता होता तो आप यही लिखते ना, तो हम क्या है, लेब से आपसे बोला गया कि लेब से उठाकर लाया हो 20 मीटर की चेन, तो आपने ये जब बिछाई होगी तो कितने की हुई होगी, आपको बाद में चला पता चला 21 मीटर हो गई है, जब आपने बिछाई होगी ये कितना निकला एपी से बीच की दूरी, तो ये आपने नोट किया, नोट डाउन, तो आपने जो नोट डाउन किया, आपने कितना ए से बी तक की दूरी 20 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी पी क्यू की 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर, तो ये कितना हो रहा है, फाइंड 80 मीटर, नहीं कितना कि 80 मीटर मापा आपने, आपने मापा कितना 80 मीटर, जबकि एग्जैक्ट वो है कितना 84 मीटर,
कितना है फिर से देख ले हम, है वो 84 मीटर बट मापा कितना आपने 80 मीटर मापा, ये आपको पता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पता नहीं कि 84 है, 84 होता था फिर आप 84 ही बताते ना, ये आप ये बोल रहे हो कि बाद में बात जाकर पता चला कि 20 मीटर की चेन तो 21 की हो गई जब आपने लेबोरेटरी में जाकर वापस चेक किया 21 मीटर की, तो आपने क्या बोला अरे यार मैं तो गलत वैल्यू माप के लेकर आ गए, तो आपने क्या किया 20 20 20 80, तो आपने था ज्यादा 84 और आपने बताया क्या 80, मतलब आपने कम बताया ना, तो 80 माइनस 84 करेंगे तो आपको क्या मिलती, ये होती है मेजर्ड वैल्यू, ये क्या होती है मेजर्ड, और ये होती है करेक्ट वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू अगर करेक्ट वैल्यू से क्या हो कम हो तो एरर कैसी आएगी हमारी नेगेटिव। तो यहां पर देखें, अगर आप यहीं पर देख लेते हैं, तो यहां पर अब अगर आप देखें तो एरर जो आ रही है एरर कैसी आ रही है, मेजर्ड लेंथ लिख लें हम, मेजर्ड लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव। तो करेक्शन सुधार क्या कितना, अरे जैसे आपने कि आपके पास थे 84 रुपीस, आप बता रहे हो कि मेरी जेब में कितने 80 रुपीस हैं, तो आप कितने 4 रुपए की गलती कर रहे हो ना, तो 4 कम बता रहे हो, तो एरर कितनी की कर रहे हो 4 रुपए की, सुधार कितना करोगे 4 का ही करोगे ना, और उसका नेचर क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, 4 कम बता रहे हो 4 ज्यादा बता दो, तब मेरे पास कितने की 80+4 है, तो 80+4 मतलब आपने करेक्शन कैसा किया है पॉजिटिव किया है। तो अगर एरर आपकी नेगेटिव आएगी तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। करेक्शंस कैसा होगा गाइस हमारा पॉजिटिव करना, किसमें ग्राउंड डिस्टेंस में, ऑन ग्राउंड डिस्टेंस। तो ग्राउंड डिस्टेंस पर गाइस हमको करेक्शंस कितना करना पड़ेगा पॉजिटिव करना पड़ेगा, कब जब चेन इज टू लॉन्ग हो। तो अब अगर हम दूसरा बता सकते हैं फिर हम कि व्हेन चेन इज टू शॉर्ट, When chain is too short, तो at ground क्या आएगा, तो at ground हम क्या बता देंगे, देखो आप at ground हम क्या बताएंगे, ये जैसे मान लीजिए कि 20 मीटर की चेन आपकी 19 मीटर की हो गई, तो मतलब आपने ए से पी तक की दूरी कितनी 19 मीटर मापा, और बोल क्या रहे हैं आप जैसे झूठ बोल रहे हो, 19 मीटर मापा और आप बोल रहे हो कि ये तो 20 मीटर है, तो आप मतलब कम वैल्यू देंगे उसको और ज्यादा का पैसा ले लेंगे उससे। जैसे मान लो किसी को लेंथ बेच रहे हैं आप, जगह बेच रहे हैं लंबाई के रकम से, तो आपने क्या बोल दिया कि आपने दो बार मापा 19 मतलब 20-20 मीटर की चेन से, जबकि वो गलती से हो गई थी आपकी 19 मीटर की, ठीक है समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 19 मीटर की हो गई, तो आपने 19 और 19 कितना 38 या 38 मीटर मापा, और आप बोल रहे हो कि मैंने आपको 40 मीटर दिया है, तो आप 2 मीटर एक्स्ट्रा बता रहे हो ना उसको, तो मतलब क्या बता रहे हो आप एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एट ग्राउंड मेजर्ड लेंथ मेजर्ड लेंथ या मेजर्ड वैल्यू की बात करें, जो मेजर्ड लेंथ या मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट वैल्यू से ज्यादा बता रहे हैं आप, मेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड लेंथ ग्रेटर देन करेक्ट लेंथ और करेक्ट वैल्यू, तो देन हमारी क्या आएगा देन, या आप चाहें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ओरली बता दिया है कि ये जैसे 19 मीटर है, तो आप 19 मीटर की जगह कितना 40 मीटर बता रहे हैं, मतलब 19 19 38 हो रहा है, तो आप 38 करेक्ट रहे हैं, बट करेक्ट की जगह आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास तो 40 मीटर है, तो 40 मतलब आप 2 मीटर एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो एरर क्या आ रही है देन एरर ई क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव। तो जो करेक्शन है जो सुधार करेंगे हम, तो सुधार क्या करना पड़ेगा, दो घटाओगे ना आप, तो मतलब करेक्शन हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, कहां पर एट ग्राउंड चेन इज टू शॉर्ट देन करेक्शन विल बी नेगेटिव, और चेन आर टेप इज टू लॉन्ग देन करेक्शन एट ग्राउंड कितना हो जाएगा हमारा पॉजिटिव होता है। ये टर्म्स क्लियर है हमको, तो यहां से आपके बिल्कुल एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आता ही है, वॉल्यूम के टर्म्स में हो तो क्यूब कर देंगे, और एरिया के टर्म्स में स्क्वायर कर देंगे, और डायमेंशंस के टर्म्स में हो लेंथ या डेप्थ वगैरह के टर्म्स में हो
तो उसको हमें लीनियर नहीं कर लेते हैं कंसिडर। क्लियर है? तो यहां से एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है आपका कि ट्रू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ इंटू मेजर्ड लेंथ। ये क्लियर है टर्म्स हमको गाइस? ये टर्म्स क्लियर है? तो अगर ये क्लियर हो तो आप बता दें। इसके बाद जो न्यूमेरिकल होंगे, इसके जो कंसेप्ट होंगे और डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट वगैरह समझ में आ रहे हैं और कुछ आप बोलते हैं कि अगर हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करना है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो वीडियो को अपने साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो करें आप, क्लियर है? बाकी आपकी इच्छा है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बन ही सकता है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो, और अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं आप कि सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो, और साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह के रिक्वायरमेंट हो, आप नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट हो या आपको कुछ हेल्प लगे, तो आप थ्रू कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन।